किसी भी काम को अगर आप थियोरेटिकली प्रैक्टिकली करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसे हम स्किल कहते हैं। जब हम लोग सबसे अच्छे तरीके से किसी काम को कर पाते हैं तो हम लोग उसे स्किल्स कहते हैं। एनीथिंग इन राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग और एनीथिंग, इट कुड बी अ गॉड गिफ्टेड और अ नेचुरल इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन। स्किल्स जो होता है, हम अगर किसी भी काम को करने में माहिर होते हैं उसे स्किल्स कहते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्किल, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो हमें ट्रेनिंग से आती है, वो स्किल होती है। कोई स्पोर्ट्स में है तो उसमें क्रिकेट का स्किल होता है, कईयों में पढ़ने का स्किल होता है, कईयों में डिज़ाइनिंग का स्किल होता है। किसी चीज़ या किसी काम करने की एफिशिएंसी हमें किस तरह से कितनी होती है, उस काम को हम किस तरह से कितना अच्छा कर सकते हैं, वो स्किल होती है। एक बार एक बाज का अंडा गलती से मुर्गी के अंडों के साथ जाकर के मिल गया। कुछ समय बाद उन सभी अंडों से चूजे बाहर निकले और वो बाज का बच्चा उन मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे 3 मंथ्स के, 6 मंथ के और 1 ईयर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 3 मंथ में हमारे पास आता है बेसिक कंप्यूटर और 6 मंथ के प्रोग्राम में हमारे पास आता है बेसिक एंड टेली विद GST। और वह बाज का बच्चा उन मुर्गी के बच्चों की तरह कुड़कुड़ करने लगा, जमीन से कीड़े खाने लगा और छोटी छोटी उड़ान भरने लगा। पेंटिंग बताई जाती है, जैसे ग्लास पेंटिंग, पॉट पेंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग और डिजाइनिंग, बच्चों से लेके औरतों के, जैसे जेंट्स के, सबके कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। वी ऑल हैव हर्ड द स्किल डेफिनेशन। द प्रॉपर डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। बट इन माई ओपिनियन आई डोंट कंसिडर इट अ प्रॉपर डेफिनेशन, बिकॉज देर आर 3 मोर एलिमेंट्स विच आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन दिस, दैट आर प्रिपेरेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्किंग एंड लर्निंग। कुछ समय बाद एक उड़ते हुए बाज की नज़र उस बाज पर पड़ी जो मुर्गियों के साथ दाना चूग रहा था, और वो उड़ता हुआ बाज उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम बाज हो? सबसे पहले तो मैं मेरे दोस्त के साथ, हम लोग एक ऐसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। तो फिर ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं थे, मगर वहाँ पर एनवायरनमेंट टीचर्स वगैरह सब अच्छे थे, मगर मुझे पता था कि आगे हमको इस चीज़ में मुश्किल आती। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे कम समय में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या तुम बाज हो? कहते नहीं, मैं मुर्गी हूं। वो कहते नहीं, तुम एक बाज हो और तुम्हारा काम नीले आसमान में ऊंची ऊंचाइयों पे उड़ने का है। तो वह कहते नहीं जनाब, मैं मुर्गी हूं, मेरा काम दाने चुगना, कीड़े खाना और कुकड़कू करना है। और जो 1 ईयर के प्रोग्राम्स है यहाँ पे हम करवाते हैं DCA मीन्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बाज उस पे हंसने लगा और फिर उसे बोलता है कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम एक बाज हो। तो इस पर अब उस छोटे बाज को हंसी आती है, कहता नहीं जनाब, मैं बाज नहीं हूँ, मैं मुर्गी हूँ। जैसे मुझे अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनने का शौक था, तो मैं अपने कोई पुराने कपड़े उसे काट कर उन्हें लगा पहन लेती थी, तो मुझमें वो स्किल थी। उसी स्किल को मैं इम्प्रूव करने के लिए आल्पस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। करियर में मतलब, हाँ सर, हम खुद का वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ से, मतलब जैसे कि हम अब ड्रेस बनाना सीख रहे हैं, तो मतलब हम एक अच्छी सी ड्रेस बना के उसको सेल करेंगे। तो फिर उसको वो बड़ा बाज बोलता है कि तुम उड़ान तो भरो, कि तुम उड़ान तो भरो, तुम उस नीले आसमान में उड़ने के लिए बने हो, तुम उस नीले आसमान के राजा हो। और उस बड़े बाज से प्रभावित होकर के उस छोटे बाज ने उड़ान भरना शुरू करी
8-10 बार उसने उड़ान भरी, लेकिन वही छोटी उड़ान भर पाया। अब मैं अगर रोटी बनाने की बात करूं तो अगर हम लोग शुरू में ही रोटी बनाना शुरू कर देंगे तो हमसे एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, मगर हम लोग बनाते बनाते उसको अच्छे से गोल रोटी बनाना सीख लेंगे। और उन उड़ानों को देखते हुए वो उसके जो भाई बहन थे, वो बाकी मुर्गियाँ और मुर्गे थे, वो उसको देख करके हंसने लगे कि इसको क्या हो गया, ये तो पागल हो गया। अगर आप घर जाते हो, आप घर में कोई भी काम करते हो, अगर आपको उस काम को करने का तरीका नहीं मालूम तो आप कैसे करोगे किसी भी काम को? तो पहले आपको उस काम का मतलब पता होना चाहिए कि इसको करने का तरीका क्या है, तभी आप उस काम को कर पाओगे। तो जो स्किल्स है वो हमें ट्रेनिंग से मिलती है। और बड़ा बाज उस छोटे बाज को पकड़ करके ऊंचे आसमान में ले गया और वहां से उसको फेंक दिया। लगभग 7000 मीटर से नीचे फेंकने पर जब वो छोटा बाज लगभग 1000 मीटर ऊपर रहा जमीन से, तब उसको दोबारा पकड़ा, फिर ले गए ऊपर। मैं इधर ये सोच के आई थी कि ये चीज़ें जो मैं पढ़ने वाली हूँ ये तो मुझे पहले से आती है, लेकिन इधर के टीचर्स ने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया। बड़े बाज ने फिर से फेंका, फिर से नीचे, फिर नीचे से उठाया, फिर फेंका। इसी प्रशिक्षण के दौरान बड़े बाज के द्वारा छोटे बाज के पंखों में जो अकड़न थी वो टूट गई, और जब 8वीं-9वीं बार बड़े बाज ने छोटे बाज को फेंका तो छोटे बाज के लगातार प्रयास करने की वजह से उसके अंदर वो हुनर विकसित हो गया, जिससे उसके पंखों में वो जान आ गई और उसने एक लंबी छलांग ऊंचे आसमान को लगा दी। I'm really very happy and glad that I'm the part of this ELPS institution because it is one of the finest institution in Kullu district, and teachers and students share a mutual understanding and teachers are really very helpful and it's going really well with me. और इसी तरह छोटे बाज ने खुद को और खुद के हुनर को पहचाना। प्रतिभा तो आपके पास है, हमारा काम तो सिर्फ उसे निखारना है। ELPS, developing nation for better future.